बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 17.5। हम करेंगे इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाजमी दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं आज हमारे टॉपिक से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है नीचे गिवन क्वेश्चन में। सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन से शुरू है। क्वेश्चन नंबर वन आपके पास दिया हुआ है सवाल, एक्स माइनस फाइव इज कॉमा 10 इज इक्वल टू 11 कॉमा वाई माइनस 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू जब भी इस तरह से इक्वल के सवाल में दें, जब इक्वल की साइन दें, तो आपने करना इस सवाल में ये है कि जो आपके पास एक्स से पहले वैल्यू है, ओ पहले कॉमा से पहले वैल्यू आपने उसको देखना है। तो कॉमा से पहले है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 11, एक आ गए। उसके बाद अगर आप दूसरे आ जाओ, दूसरी साइड पे दे रहा है 10, और 10 के बाद इज इक्वल के दूसरी साइड पे आपको कॉमा के बाद नजर आ रहा है वाई माइनस 7। तो आपने कंपेयरिंग कर ली, तो यहाँ हेडिंग आप डाल सकते हो किसकी, आपने कंपेयरिंग की, कंपेयरिंग हेडिंग ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइव को वहां पे लेके जाना है। ये माइनस का फाइव है, वहां जाके प्लस का फाइव हो गया। तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई 16। उसके बाद वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करा, 7 को वहां ले गए। आपकी मर्जी है आप y को ले जाओ या 7, मैं नंबर के पास नंबर को ले जा रहा हूँ। तो माइनस का 7 है, वहां जाके प्लस का 7 हो गया। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 17। क्लियर है? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, y x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो ये पार्ट नंबर वन आपका कंप्लीट है। इसमें x इज इक्वल टू 16 आ गया और y इज इक्वल टू 17 आ गया। ये आपका आंसर पहले वाले पार्ट का, सही है? पार्ट नंबर टू के ऊपर आ जाते हैं। पार्ट नंबर टू दे रहा है 5x प्लस 8 कॉमा 5y माइनस 4। आपको ये क्वेश्चन दिया है, इज इक्वल के बाद आपको दिया है 3x प्लस 10 कॉमा 2y प्लस 2। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपने ये करना है, कंपेयरिंग करनी है। देखो कॉमा से पहले ये रहा और कॉमा से पहले वाली वैल्यू ये रही, इनको कंपेयरिंग करो। हेडिंग डाल देता हूँ कंपेयरिंग, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8 को आप कंपेयर किससे करोगे, 3x प्लस 10 से। x वाली वैल्यू x के पास और नंबर वाली वैल्यू नंबर के पास, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x। उसके बाद दूसरी साइड पे 8 ही प्लस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 8। सॉल्यूशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x 10 माइनस 8 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का सवाल है, जब एक नंबर आपको यहाँ मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ नजर आए और दूसरी तरफ नंबर नजर आए, अगर ये दोनों नंबर में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो रहा है, जैसे ये वाला नंबर देखो और ये वाला नंबर, दोनों में कटिंग हो रही है, तो मैं यहीं पर करूंगा 2 1 2 2 1 2, कटिंग हो गई। आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया एक साइड का। दूसरी साइड पे आते हैं, दूसरी साइड पे देखो इज इक्वल के दोनों साइड पे आपके पे जो वैल्यू है उनको कंपेयर कर लो। तो ये है 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपने क्या किया, y वाली वैल्यू को y के पास ले जाओगे, नंबर वाली वैल्यू को नंबर के पास ले जाओगे। तो 5y माइनस 2y हो गया, माइनस 4 है वहां जाके प्लस का 4 हो गया। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6। इस सवाल में भी यही, 3 1 3, 3 2 6, y की वैल्यू आपके पास आ गई क्या, 2। आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये आपके x और y के क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आ गए। क्लियर है? इसी तरह अब आपके पास आ जाता है पार्ट नंबर 3। अब आप पार्ट नंबर 3 को देखो, तो पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो पार्ट नंबर 3 पहले मैं उतार लेता हूँ। देखो ऊपर सवाल ये रहा, आपके पास बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 1, बुक से भी आप देख सकते हो, ऊपर भी देखो लिखा हुआ है 2x माइनस 3y, ये है 5x प्लस वाई है, ये आपने ले लिया। इज इक्वल के बाद आपको दिया है 3,16, ये आपने पूरा सवाल उतार दिया। मैं बोर्ड को ऊपर ले जाता हूँ, सही है? ये आपके सामने सवाल आ गया, करना वही है।
इक्वल से पहले की वैल्यू कंपेयर होगी और इक्वल के बाद, तो कंपेयरिंग की हेडिंग डाल देता हूँ। कंपेयरिंग आगे कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y को आपने कंपेयर कर देना है 3 से। दूसरी कंपेयरिंग आपको नजर आ रही है 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। पिछले सवालों की तरह ये सवाल नहीं है, अलग है। देखो क्यों अलग है, क्योंकि इस एक सवाल के अंदर आपको जब पहली कंपेयरिंग की तो आपको x भी नजर आ रहा है और y भी नजर आ रहा है। दूसरे पार्ट में भी देखो x और y दोनों नजर आ रहा है। इस तरह के सवाल में आपके पास दो इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशन आ गई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन मुझे आसान लग रही है 2 वाली। ये इक्वेशन बिल्कुल इसी तरह की हो गई जैसे आप 9th क्लास में ग्राफ के सवाल करते थे, वैसे सिमिलर है। तो इसमें इक्वेशन में ले लेता हूँ इक्वेशन 2, तो लिख रहा हूँ कंसिडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरी है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ से मैं वाई को अलग कर रहा हूँ, तो वाई को जब अलग कर रहा हूँ ये हो जाएगा 16 माइनस 5 है। बाकी ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। इसको आपने कर देना है इक्वेशन नंबर 3 का नाम। वाई की वैल्यू आने के बाद अब आपने ये करना है कि जो आपके पास वाई की वैल्यू आई है आपने उसको पुट करना है, पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में ही क्यों पुट करना है, क्योंकि आपने इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली है तो आपको रखनी है 1 के अंदर। इक्वेशन 1 आपके पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, आपके पास इक्वेशन है। आपने y की जगह क्या करना है, देखो ऊपर ये y नजर आ रहा है, इस y की जगह आपने y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू आपके पास है 16, तो मैं आपको यहाँ पर वैल्यू लिख के दिखा रहा हूँ, 16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। तो 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई आप करोगे आएगा 48। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो पहले साइन नजर आ रही है माइनस की, यहाँ पर भी साइन नजर आ रही है, माइनस की साइन आपको यहाँ नजर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 5 15 x इक्वल टू 3। अब 2x की वैल्यूज नजर आ रही है, मैंने इन दोनों को सॉल्व करना है, 5 और 2 और 15, 2 प्लस 15 आपके हो जाता है 17। उसके बाद माइनस 48 है, माइनस 48 को मैं 3 के पास लेके जा रहा हूँ, माइनस का 48 है वहाँ जाके प्लस का 40 हो जाएगा, 3 प्लस 48, तो ये हो गया 17x। 48 प्लस 3 आपका हो जाता है 51। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 17 1 17, 17 3 51 होता है, सही। तो ये हो गई x की वैल्यू आपकी आ गई इस बार, देखो x की वैल्यू निकल आ गई। अब जब x की वैल्यू निकल गई तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये करना है कि जो आपकी x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में रिपोर्ट करना है, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को नाम दिया था। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 और आगे लिख दूंगा इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में डाल रहा हूँ, 3 के अंदर, क्लियर। तो इक्वेशन 3 मेरी ऊपर नजर आ रही है मुझे, y is equal to 16 minus 5x मैंने लिख दी, तो y is equal to 16 minus 5, x की वैल्यू 3 आई है तो x की जगह आपने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। तो y is equal to 16 minus 5, 3 is 15, y की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो देखो सवाल में आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया, तो आपके जो आंसर बन गया वो बन गया x is equal to 3 and y is equal to 1। ये आपके क्या है सवाल के आंसर। तो यहाँ पर आके हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट पी हैज 10 एलिमेंट, आपको सवाल में दे रहा है कि पी सेट के अंदर हमारे पास, देखो सवाल ये रहा, पी हैज 10 एलिमेंट, क्यू हैज 15 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी एंड पी मल्टीप्लाई बाय पी। तो सवाल का सॉल्यूशन आ जाता है, बहुत आसान है सवाल, एमसीक्यूज का सवाल है। सबसे पहले तो आपको बोल रहे हैं नंबर ऑफ सेट इन पी, तो पी के अंदर जो एलिमेंट है वो आपके पास 10 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट पी के अंदर आपको दे रहा है 10, क्यू के अंदर दे रहा है 15। आपको पहले निकालना है पी बाय क्यू,
इसको निकालने के लिए आपने नंबर ऑफ एलिमेंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करा जाता है। तो ये आ गया पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, आपके पास 150 आएगा। फिर इसी तरह क्यू मल्टीप्लाई बाय पी जब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे 10 को 15 से करो या 15 को 10 से करो, दोनों सूरतों में आंसर आपका 150 ही बनना है। आखिरी हमारे पास पी बाय पी दिया हुआ है, हमारे पास एलिमेंट पी के अंदर देखो 10 दिए हुए, ये आपके सामने नजर आ रहे होंगे। तो ये आपके पास पी के अंदर 10 एलिमेंट है, फिर वापस पी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 एलिमेंट हो गए। तो 10 10 से आपके पास 100 हो गया। इस तरह पी मल्टीप्लाई बाय क्यू का आंसर 150 आया, क्यू मल्टीप्लाई पी का आंसर 150 आया, और पी बाय पी का आंसर आपका 100 आया। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये आपका सेकेंड आंसर है, और ये वाला आपका थर्ड आंसर है। तो बहुत आसान सवाल था, एमसीक्यू उसका जल्दी हो गया। सही, तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन नंबर थ्री एक तरह से ये क्रॉस की साइन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट की आती है। सही, ये वाली क्रॉस जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। पीछे हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे, इस वाले सवाल में हमें इसकी सिंप्लीफिकेशन भी करके देनी है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन पहले पार्ट के अंदर, पहले पार्ट में आपको ए क्रॉस बी करना है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, किस तरह करेंगे, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन और होता था वैसा ही है। तो पहले आपने ए क्रॉस बी करना है, वो लिखा, उसके बाद आपने ऊपर से ए सेट की वैल्यू दिखी, 1 एंड 2 दी हुई है, क्रॉस करना है क्रॉस की साइन, फिर बी सेट की वैल्यू 2 एंड 3 दी है, वो लिख दी। क्रॉस करते वक्त आपने सेट्स बनाने होते हैं। सेट्स किस तरह बनेंगे, सबसे पहले देखो 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का जब 2 के साथ आप सेट बनाओगे तो ये होगा 1, 2 एक सेट आएगा आपका। फिर 1 का आप बनाओगे 3 के साथ, फिर आ जाएगा 1, 3। 1 के सेट दोनों के साथ बन गए, अब इस 2 के दोनों के साथ बनेंगे तो आपका एक सेट बनेगा 2, 2, फिर एक बनेगा 2, 3। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। हर सेट के बाद आपने इस तरह से एक कॉमा लगाना है। तो ए क्रॉस बी में आपके 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3 आपके सेट्स बन गए। तो ये आपका ए क्रॉस बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बी क्रॉस सी, नंबर 2 पे बी क्रॉस सी। तो जब आपको बी क्रॉस सी करना होगा, आपने यहाँ बी क्रॉस सी लिखा, बी सेट की वैल्यू आपको दी हुई है 2 एंड 3, क्रॉस सी की वैल्यू आपको दी है 1, 3, 5। आगे बढ़ते हैं बी क्रॉस सी। अगर बी क्रॉस सी करूंगा, देखो 2 पहले 1 के साथ आएगा, 2, 1 एक सेट हो गया, उसके बाद 2 आएगा 3 के साथ, 2, 3 एक सेट हो गया, फिर 2, 5 के साथ आएगा, 2, 5 हो गया, उसके बाद 3, 1 के साथ आएगा, 3, 1 हो गया, फिर 3, 3 के साथ आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा 5 के साथ। ये आपके जो सेट्स बनते थे वो बन गए। हर सेट के बाद आपने कॉमा लगा देना, ये आपका आंसर हो गया बी क्रॉस सी का। ये आंसर ए क्रॉस बी का आपके पास मौजूद था। नेक्स्ट आपको थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको देखो ऊपर देख लो सवाल, ये आपको थर्ड पार्ट में दिया है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो आपको जो पार्ट दिया हुआ है वो आपने कॉपी करना है। थर्ड पार्ट आपका जो है तो रोमन में लिख लेता हूँ, जैसे सवाल में दिया है, तो 1, 3, तो ये आ गया ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये आपके पास आ गया। अब आपको सबसे पहले तो पता है कि जब ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले इसमें बी यूनियन सी को आपने सॉल्व करना है। आपके पास बी सेट ऊपर से आप देखोगे, बी के सेट दिए हुए हैं 2, 3, यूनियन सी के सेट आपको क्या दिए हुए हैं, सी के सेट दिए 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 आपके सामने बुक है, तो आप बुक से भी देख सकते हो। सही है, यूनियन में कंबाइन करते आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। अगर यूनियन करना हो यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करना हो तो इंटरसेक्शन करें, बी यूनियन सी आ गया। अब की बार आपने इसको क्या करना है, बी यूनियन सी के बाद इसको क्रॉस करना है। तो मैं इसके सामने कर देता हूँ, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए की वैल्यूज आपके पास है 1 एंड 2, क्रॉस करना है, और क्रॉस करना किससे है, बी यूनियन सी से। देखो ये रहा बी यूनियन सी का मेरा आंसर, तो यहाँ पर लिखूंगा 1, 2, 3 और 5। क्रॉस में आपको पता है सेट बनते हैं, पहले बनेगा 1, 1, फिर उसके बाद 1, 2, फिर 1, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 2,
2.3, 2.5, ये आपके सेट बन गए। एक कर्ली ब्रैकेट आपने स्टार्ट में बनाना है, एक कर्ली ब्रैकेट आपने एंड में बनाना है। ये आ गया कर्ली ब्रैकेट हमारा एंड में आ गया, सही। हर सेट के बाद आपने कॉमा लगा देना था, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, सही है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर टू के बाद। देखो पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर आपके सामने है। तो पार्ट नंबर फोर के लिए मैं देखो सवाल को अपना इस तरफ ले जाता हूँ और खाली बोर्ड के पास आ जाता हूँ, जहाँ मेरा बोर्ड एम्प्टी है, मैं उस तरफ ले जाके सवाल को सॉल्व करता हूँ कि आपको सवाल भी देखने में इजी हो जाए। अब इससे ज्यादा ही आगे नहीं जा रहा, जाना तो चलो आ जाते हैं अब आगे। पार्ट नंबर फोर आपके पास क्या है? पार्ट नंबर फोर है बी क्रॉस ए यूनियन सी। अच्छा, ये वाला पार्ट आप खुद प्रैक्टिस के लिए कर लोगे, ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस पे आ जाएगा। आपको पहले ए यूनियन सी करना है, बाद में बी से क्रॉस करना है, सही है। पार्ट नंबर फाइव आ जाते हैं। पार्ट नंबर फाइव है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब की बारी आपको नजर आ रहा है कि ए को पहले इंटरसेक्ट करना है बी से, फिर बी को इंटरसेक्ट करना है सी से, उसके बाद क्रॉस करना है। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ। ए की वैल्यूज मेरे पास गिवेन है 1 एंड 2, इंटरसेक्शन करना है। बी की वैल्यू 2 एंड 3 गिवेन है। इंटरसेक्शन में जो एक जैसी वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी, तो आपको एक जैसी देखो 2 नजर आ रही है, तो मैंने यहाँ लिख दी 2। ए इंटरसेक्शन बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो बी की वैल्यूज हमें दी हुई है 2 एंड 3 क्वेश्चन में, सी की वैल्यू हमें दी हुई है 1, 3 एंड 5। जो वैल्यू मुझे दी थी मैंने वो लिख दी। स्टूडेंट देख लिया आप लोगों ने? इसी तरह आप इसकी सॉल्यूशन कर लेता हूँ आगे। बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन लिखते हैं। कॉमन क्या है दोनों में? 3। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 3। नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कर लिया हमने, बी इंटरसेक्शन सी कर लिया। अब इनको क्रॉस करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का आपके पास आंसर क्या आया? 2। क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 3। दोनों में एक ही एलिमेंट है, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो सिर्फ बनेगा 2 एंड 3, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का आपका आंसर आ गया ये। तो आंसर आ जाए तो उसको इस तरह से हाईलाइट कर लिया करो, जो छोटा आंसर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर आंसर पे फोकस कर सके, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके पांचों पार्ट में से 4 पार्ट मैंने करा दिए, एक पार्ट सेम था जो आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस पे रख दिया, सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। आपको करने को बोला है 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, 5 रिलेशन और ऑल रिलेशन ऑफ ए। तो रिलेशन के लिए आपको देखो क्या करना है, ना मुश्किल नहीं है रिलेशन। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो रिलेशन बनते हैं हमें वो निकालना होता है, सही है। तो रिलेशन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 4 पे सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए आपने पार्ट नंबर 1 अगर देखो तो 3 रिलेशन a क्रॉस b बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपने a क्रॉस b निकालना है। a की वैल्यूज आपको 5, 6 दी है, क्रॉस b की वैल्यू आपको दी है 1, 2 एंड 3। पहले इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे तो 5, 1 पहला सेट, उसके बाद बन जाएगा 5, 2, फिर 5, 3, फिर 6, 1, 6, 2 और 6, 3। ये आपके पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट बन गए। अब इसमें से आपको कितने रिलेशन बोल रहे हैं? 3 रिलेशन बोल रहा है। कोई भी 3 रिलेशन आपकी मर्जी से आप इसमें से सेट में से ले सकते हो। चाहे आप एक वैल्यू निकाल लो रिलेशन के लिए, 2 निकाल लो या 3 निकाल लो, तो इनमें से चाहे जो जो लेना चाहो आप। तो अगर मैं पहला रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, मैं 5, 1 लिख सकता हूँ। बुक के पीछे आंसर चेंज है, आपकी मर्जी, आप कोई भी रिलेशन लिख सकते हो। 5, 1 ले लो,
एक सेट ले रहे, एक ले लो, दो ले रहे, दो ले लो, तीन ले रहे, तीन ले लो, चार ले रहे, चार ले लो, पांच ले रहे, पांच ले लो। तीन रिलेशन है, मैंने एक दफा 5-1 ले लिया, एक दफा 5-2 ले लिया, और एक दफा मैं 5-3 दो ले लेता हूँ इस बार, चाहूँ मैं तीन ले लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा रिलेशन का आंसर है, क्लियर। इसी तरह फोर रिलेशन बी क्रॉस ए के बोलेगा, तो पहले आप बी क्रॉस ए करोगे, बी क्रॉस ए करने के बाद कोई भी चार रिलेशन निकालोगे। तो मैं ये पूरा सॉल्यूशन आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइड में आ जाते हैं हम आगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में बी क्रॉस ए करेंगे। पहले बी क्रॉस ए करने के लिए आपको पता है पहले आप बी सेट लिखोगे जो आपको दिया है 1, 2 एंड 3। उसके बाद क्रॉस करना है किससे, ए के साथ, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 एंड 6, बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा यहां पर 1 5, 1 6, 2 5, 2 6, 3 5 और 3 6, ये आपके पास सेट्स आ गए इसके। इसमें से आपको रिलेशन चार बोले, तो R1, R2, R3 और R4, ये आपके चार रिलेशन आ जाएंगे। तो चार रिलेशन आपकी मर्जी, आप कोई भी ले लो। तो मैं एक दफा 1 5 ले लेता हूँ, 1 6 ले लेता हूँ, उसके बाद 2 5 ले लेता हूँ, 2 6 ले लेता हूँ, 3 5, 3 6, यहाँ पर अब की बार मैं 1 5, 1 6, 2 5, 2 6, कोई भी ले सकता हूँ, ये मेरे पास रिलेशन में आ जाएंगे, क्लियर है। ये सारे रिलेशन आ गए। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 करने से पहले तो अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगले में बोल रहा है पार्ट नंबर 3, 5 रिलेशन और ऑल रिलेशन, सही। तो अब रिलेशन पे एक दफा आ जाते हैं, पार्ट नंबर 3 आपको रिलेशन बोल रहा है 5 रिलेशन ऑफ बी। तो आपके पास जो बी सेट गिवेन है, पहले तो आपने वो सवाल में देखना है कि बी सेट आपको दिया है 1, 2 एंड 3, इसके 5 रिलेशन बनाने। रिलेशन बनाने हैं तो आपने सबसे पहले तो खुद ही करना है बी क्रॉस बी आप करोगे, तो बी क्रॉस बी आपने करना है। तो 1, 2, 3 एक दफा बी के सेट के एलिमेंट, फिर उसके बाद क्रॉस, फिर अगेन बी सेट की वैल्यूज 1, 2 एंड 3। इसके सेट्स बना लूं तो मेरे पास क्या बनेंगे, 1 1, फिर 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3, ये मेरे पास इसके सेट्स बन गए। अब रिलेशन बनाने में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन बनाया जाता है 2 की पावर N ले लेता हूँ। N से मतलब ये होगा कि इस सेट में जितने एलिमेंट्स आपके बने हैं, इस सेट में अगर आप एलिमेंट्स की तादाद देखो तो कितने आपके सेट्स बने, सॉरी सेट्स आपके कितने बने इसमें आपको नजर आ रहा है, आप काउंट करो तो आपके पास यहाँ 3 थे, यहाँ 3 थे, 3 3 9, देखो 9 सेट बन गए, 9 सेट बन गए। ये जो सेट्स होंगे इसको आपने N से रिप्रेजेंट कर दिया, तो सेट्स आपके 9 बने। तो 2 की पावर 9 का मतलब हो गया 2 पावर 9। 2 को आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 को जब 9 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, आप कैलकुलेटर से देखोगे कि मल्टीप्लाई करके आपका आ क्या रहा है, सही है। तो मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैं आपको मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने नहीं खोला है, तो मैं 2 की पावर 9 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है 512, क्या आ रहा है। इसका मतलब हो गया इसके 512 रिलेशन बन सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिलेशन अब हमें बनाने नहीं है, लेकिन रिलेशन में करना क्या होता है कि जैसे हम सबसेट का सवाल एक करते थे पावर सेट का, उसमें पहले हम एम्प्टी सेट बना लेते थे, उसके बाद एक सेट, दो सेट, तीन सेट, इस तरह सेट लेते थे, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी करना है। लेकिन हमें 512 रिलेशन तो नहीं बोला, हमें सवाल में कितने रिलेशन बोले, 5 रिलेशन बोले। 5 रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1, R2, R3, R4 और R5, 5 रिलेशन है। सबसे पहला है कोई भी रिलेशन एम्प्टी सेट होता है, आपकी मर्जी आप लिखना चाहो तो लिखो। उसके बाद मैंने आपको ऊपर से बताया कि आप एक सेट लो, दो सेट लो, तीन सेट लो, चार सेट लो, जितने चाहे आप लो, ये आपके रिलेशन बनते जाएंगे। अगर आप एक सेट एक वैल्यू लेते हो ये एक रिलेशन बन गया, अगर आप दो वैल्यू लेते हो तो भी एक रिलेशन कहलाएगा 1 2 1 3। इसके बाद R4 की बात करें तो 1 1 ले लेता हूँ, 1 2 ले लेता हूँ, 1 3 ले लेता हूँ,
फिर पांचवे रिलेशन में चार वैल्यू से बनाता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं कम भी बना सकता हूँ और ज्यादा भी बना सकता हूँ, और मेरी मर्जी मैं वन वन से शुरू करूँ या कहीं सेंटर से शुरू करूँ। सही है, तो मैं इस बार 1 3 से ले लेता हूँ, 1 3 2 1, 2 2 एंड 2 3। तो ये मेरे पांच रिलेशन बोले थे सवाल में, मेरे पांच रिलेशन बन गए हैं। क्लियर? लास्ट वाला पार्ट देखो, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस पूरे पार्ट का। देखो ये वाला एक आ गया था, उसके बाद रिलेशन उन्होंने नीचे बनाए थे। सही। अच्छा, आखिरी पार्ट हमें दे रहा है ऑल रिलेशन ऑफ ए, और ए की वैल्यू आपको दी है 5,6। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाता हूँ, पार्ट नंबर हमारा कौन सा है, 4। ऑल रिलेशन बोल रहा है, ए की वैल्यू मैंने लिखी कि 5 है और 6 ए के सेट दिए थे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए क्रॉस ए कर लेना है। ए क्रॉस ए करेंगे 5,6, 5,6 क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक 5,5 बन जाएगा, एक बन जाएगा 5,6, एक बन जाएगा 6,5 और लास्ट बन जाएगा 6,6। ये मेरे सेट बन गए ए क्रॉस ए के। अब मुझे इसके टोटल रिलेशन बनाने, मैंने रिलेशन का आपको फॉर्मूला लिख के दिया, 2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ आपकी हो जाएगी 4, क्योंकि आपके पास इसके अंदर चार सेट बने। तो इसका मतलब आपके टोटल रिलेशन इस सवाल में कितने बन सकते हैं, 16 रिलेशन बन सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले, तो रिलेशन वन हमेशा क्या होगा, एम्प्टी। रिलेशन टू हर किसी को एक एक दफा आप लिख दोगे, ये एक एक रिलेशन आपके बनते जाएंगे। देखो 5,5 आपका एक रिलेशन बन गया। आर थ्री की बात करूं तो 5,6 आपका एक रिलेशन बन गया। आर फोर की बात करेंगे तो 6,5 आपका एक रिलेशन बन गया। आर फाइव की बात करूंगा तो 6,6 सिंगल सिंगल का एक एक रिलेशन बन गया। अब जब सिंगल के सारे बन गए ना, तो अब डबल की बारी आती है। तो डबल रिलेशन में हम ले लेते हैं एक दफा 5,5 एक ले लेते हैं, और 5,5 के साथ देखो, एक दफा मैं 5 के साथ 5,6 लूंगा, एक दफा 5,5 के पास साथ लूंगा 5,6, और फिर एक दफा लूंगा 6,6। ये तीन वैल्यूज बनाऊंगा मेरे पास रिलेशन के लिए। सही, मैं एरो आपको मिटा रहा हूँ, बाद में बहुत ज्यादा एरो होंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5,5 के साथ आने एक दफा लेना है 5,6, एक रिलेशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, जगह थोड़ी सी मेरे पास नीचे आ रही है, तो मैं यहाँ पर साइड में आपको लिख के दे रहा हूँ, R6 हो गया। अब हम आ जाते हैं R7 के ऊपर, 2 के हो गए, 5,5 हो गया, 5,6 हो गया। अब देखो 5,5 के साथ किसको बनाओगे, 6,5 को। तो 5,5 लिया, 5,5 के साथ मैंने ले लिया 6,5। R7 के बाद R8 आ गया, R8 हो जाएगा 5,5 और 6,6 R8। R9 ले लेते हैं, अब 5,5 के साथ देखो तीन मैंने बना लिया, अब 5,5 के साथ नहीं बन सकता। तो अब बारी है देखो इस 5,6 की, तो मैं ले लेता हूँ 5,6, 5,6 के साथ मैं ले लेता हूँ एक दफा 6,5, फिर एक दफा R रिलेशन 9 के बाद रिलेशन 10 ले लूंगा, 5,6 है, 5,6 के साथ मैं ले लेता हूँ 6,6, 5,6 के भी रिलेशन हो गए दोनों। फिर R10 के बाद R11 आ जाता हूँ, 5,6 लिया है, अब की बार मैं इन दोनों को लूंगा। रिवर्स में पीछे नहीं जाना, आपने आगे बढ़ना है। 6,5 ले लिया और 6,5 के साथ आपने क्या ले लिया, 6,6। R11 हो गया, फिर R12, दो दो के रिलेशन हो गए। अब की बार तीन तीन के रिलेशन बनेंगे, तीन रिलेशन में मैं स्टार्ट के तीन ले लेता हूँ, 5,5 एक आ गया मेरा, फिर आ जाएगा 5,6 और 5,6 के साथ एक ले लेता हूँ 6,5, एक रिलेशन आ गया मेरे पास, R12 आ गया। सही, R12 12वां रिलेशन, टोटल 16 बने। सही है, तो मेरे पास आगे जगह आ रही है, मैं आपके पास आगे ले लेता हूँ। अब मेरे कौन कौन से रिलेशन बने, R12 हो गया, R13, R14, R15 और R16, चार और रिलेशन बनाने। सही है, तो जैसे हम पावर सेट वाले सवाल में रिलेशन बना सेट्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो पहले मैंने 5,5,5,6 और 6,5 बनाया, अब की बार में क्या बनाऊंगा, देखो इसी से देख लो, एक में इसको लूंगा, एक इसको लूंगा, और अब की बार में एक थर्ड लूंगा, 5,5,5,6 और 6,6। देखो यहाँ पर मैं ले लूंगा 5,5,5,6 और आखिर 6,6 एक ले लूंगा। फिर अगली बार मैं फिर शुरू करूंगा 5,5 से, अब की बार मैं 5,5 लूंगा, पहला लूंगा और आखिरी के दो लूंगा, 5,5 फिर 6,5 और 6,6। फिर आ जाता हूँ, अब की बार 5,5 के बाद जितने भी बना सकता था मैं जितने पॉसिबल थे बना लिए,
अब मैं लास्ट के तीन लेता हूँ, लास्ट के तीन मेरे पास क्या है, 5 6 है, 6 5 है और 6 6 है। जब सारे तीन तीन के भी बन गए तो आप तीन के कोई गुंजाइश नहीं बची, जब तीन के कोई गुंजाइश नहीं बनी तो सारे के बना देने, तो सारे आपके पास 5 5 थे, 5 6, 6 5 और 6 6, तो ये आपके टोटल रिलेशन बने, 16 रिलेशन इस तरह बने। तो ये आप अपने पास सारे रिलेशन कॉपी कर लो और अपने दिमाग में रखना, जिस तरह पावर सेट का हम सवाल करते थे बिल्कुल उसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट से लेके आपको दिखा रहा हूँ, देखो ए सेट हमने यहाँ से शुरू किया था, पहले हमने ए क्रॉस ए निकाला, उसके बाद 2 की पावर n फॉर्मूला लगाया, 16 सेट बने और 16 इसके रिलेशन मैंने बना के दिखाया। बहुत ज़्यादा बड़े ऐसे एग्जाम में नहीं आ सकते, इससे बड़ा तो बहुत मुश्किल है, बहुत रह रहे कि अगर आए तो आए, लेकिन चांस नहीं है कि ऐसा एग्जाम में इतना बड़ा आ सके, इससे बड़ा आ सके, बहुत चांस है रेयर कि ये आ जाए। सही, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमारे इसके जितने भी पार्ट थे इस सवाल के सारे हो गए। सही, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में टू सेट ए एंड बी, आपको सवाल नजर आ रहा है, दो सेट के बारे में बोल रहा है, ए बी ओ ए मतलब एलिमेंट ए सेट में 3 बता रहा है और एलिमेंट बी सेट के अंदर बता रहा है 4 है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी निकालना है। सही है, बाइनरी रिलेशन सिर्फ निकालने के, इसके कितने बनेंगे। रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। सेट्स तो नहीं दिए ना, सेट्स के एलिमेंट कितने दिए, 3 और 4, तो इसका मतलब कितने हो गए, 12। बाइनरी रिलेशन के लिए आपको फॉर्मूला बना दिया मैंने 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 आप लेना चाहो तो कैलकुलेटर में आप ले सकते हो, जब आप 2 की पावर 12 लोगे तो आंसर जो आपका कैलकुलेटर देगा वो देगा 4096। आई थिंक बुक में यही तक छोड़ दिया, आपकी मर्जी, आप यहाँ ये स्टेप तक रख दो या ये स्टेप तक रख दो, ये एमसीक्यूज का सवाल है इसलिए इतना छोटा था, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म, वेयर एज ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। तो आपको ये ए और बी के बारे में बताया कि ये ए और बी क्या है, तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझ लो अच्छे से। पहले पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, R1 रिलेशन बोल रहा है, ए कॉमा बी ऐसे रिलेशन बना के देने हैं जिसमें बी लेस देन 5 हो, ये सिंबल लेस देन का है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए गिवेन है और बी गिवेन है, मैं ए क्रॉस बी कर लेता हूँ, 0 1 2 3 ए सेट से दिए हुए एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट की बात करूं तो 2 4 6 और 8, पहले जितने सेट्स बनते हैं वो बना, क्योंकि उसी से आपको सवाल सॉल्व करने में इजी होगा, बगैर उसके बताऊंगा तो मैं तो समझा दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। सही है, इसे सेट बना लेते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं, 0 2 पहला, उसके बाद 0 2 के बाद 0 4, जितने पॉसिबल आपके पास सामने नजर आ रहे हैं, 0 2 0 4 0 6 0 8, उसके बाद 1 2 1 4 1 6 1 8, उसके बाद 2 2 2 4 2 6 2 8, 2 के साथ सारे बन गए। अब 3 की बारी, 3 2 3 4 3 6 3 8, जो पॉसिबल थे बना दिए मैंने। अब मैं सवाल पे जाता हूँ, अब मुझे सवाल इस तरह बोला है कि मुझे ऐसी वैल्यूज इसमें से लेनी है जिसमें आपके पास बी की वैल्यू क्या आए, लेस देन 5 आए। आपने ये जो सेट्स बनाए, इन सेट में ऐसे सेट आपने रिलेशन के लिए लिखने हैं, R1 के अंदर रिलेशन ऐसे लिखने हैं जिसमें बी की वैल्यू छोटी है। देखो बी की वैल्यू छोटी 1, इसमें भी बी की वैल्यू छोटी है, बी की वैल्यू मतलब कॉमा के बाद वाली वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू छोटी है, इसमें छोटी है। देख लो मैं जो जो लाइन बना रहा हूँ इसमें आपको नजर आ रही है बी की वैल्यू आपकी स्मॉल है, जिन जिन में बी की वैल्यू स्मॉल है वो सारे आपने नीचे उतार देने पर। देखो जिन में मैंने लाइन बनाई है वो सारे बी स्मॉल है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया, पहला 0 2 0 4, उसके बाद हमारा बना 1 2 1 4, उसके बाद 2 2 2 4 3 2 3 4, ये मेरे रिलेशन बन गए।
आई बात समझ। जब तक मैं ऊपर देखो ए क्रॉस बी नहीं बनाता, मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन लिख के देता, आपके समझ नहीं आते। अब जितने भी मैंने छोड़े ना, सब में देखो ये कॉमा के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी है। जैसा सवाल बोले आपको वैसे ही सवाल के हिसाब से चला। रिलेशन 2 दे रहा है ए कॉमा बी, आगे दे रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 9। मैं रिलेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। रिलेशन नंबर 2 दे रहा है ए कॉमा बी। अब आपको बोल रहा है कि ए प्लस बी, ऐसे सेट आपको इसमें से निकालने हैं रिलेशन 2 के लिए जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यू है रिलेशन टू ए प्लस बी 9 के बराबर है। अब देखो ऊपर आपके पास सेट नजर आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए पेन चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। पेन का कलर मैं अपना चेंज करता हूँ, तो मेरे पास पेन का कलर मैं ले लेता हूँ अभी पर्पल, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। सही है? तो अब देखो ऐसे सेट में ऊपर से लूंगा जिनमें ए को बी से प्लस करके 9 है। देखो आप इसमें 2 0 2 को प्लस करो 2 आएगा, नहीं आ रहा। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6 6, 0 प्लस 8 8, 1 प्लस 2 3 5, इसको प्लस करके 7 आ रहा है, इसको प्लस करके 9 आया। तो पहला आपने ये ले लिया, उसके बाद 9 इसमें भी नहीं आ रहा, 2 प्लस 6 8 हो रहा है, 2 प्लस 8 10 हो रहा है, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 6 9, 1 2। आपके पास कितने सेट बन गए? ये 2 ऐसे सेट बने जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, प्लस करके 9 आ रहा है। तो मैं वापस से अपने पास पेन पे आ जाता हूँ अपनी, मेरे पास पेन ब्लू कलर की, मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं ब्लू कलर की पेन से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। सही है? तो अब इसमें आपके पास इस सवाल के अंदर जो रिलेशन है वो आपके पास क्या आएंगे, एक आपके पास आएगा 1,8 और दूसरा आपके पास आएगा 3,6। तो ये रिलेशन 2 आपका ये आंसर आ गया। फिर आ जाते हैं थर्ड रिलेशन के लिए। हमें बोल रहा है कि ए माइनस बी, ऐसे सेट ढूंढने जिसमें ए को बी से माइनस करके आपके पास 1 आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास तीसरा जो पार्ट दिया हुआ है, तीसरा पार्ट में रिलेशन आपको क्या दे रहा है, ए कॉमा बी लिख रहा है। रिलेशन में आगे बता रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ऐसे आपने सेट देने हैं ऊपर से जिसमें ए को बी से माइनस करके 1 आए। अब आपने ऊपर से सेट ढूंढने, अब माइनस करते जाओ। देखो पहली वैल्यू ए है, थोड़ा सा रफ वर्क में करा देता हूँ आपको और इजी हो। जैसे 0 और 2 दिया हुआ आप 0 माइनस 2 करो, क्या आंसर आया? ये रफ वर्क है, -2 आया। इस तरह सबको करते जाओगे, देखो इसको कर रहे हो नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर रहा हूँ, -1 आ रहा है। मुझे -1 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर मैं नहीं लूंगा। सही है? 1 4 नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। 2 2 करूंगा 0 2 4 करूंगा, ये भी नहीं आएगा। 2 6 नहीं आएगा, 2 8 नहीं आएगा, 3 2 देखो ये आ रहा है। अगर मैं 3 को 2 से माइनस करूँ 1 आएगा। तो थर्ड R3 के अंदर हमारे पास एक आ गया 3 2, और देखते हैं 3 4 माइनस करूंगा नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी है। इसका मतलब सिर्फ एक ही रिलेशन बना है जिसको माइनस करके 1 आता है। इसका मतलब R3 में 3 और 2 ही आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और देन जेड आपको फाइंड करना है। अब आपको दे रहा है फाइंड द रेंज, डोमेन दे रहा है, डोमेन दे के रेंज पूछ रहा है। सही है? डोमेन आपका एक्स की वैल्यू कहलाएगी, रेंज आपकी वाई की वैल्यू कहलाएगी। तो आपके पास यहाँ आप साइड में लिख सकते हो डोमेन आपका क्या हो रहा है, डोमेन आपकी एक्स कहला रही है वैल्यू, और जो रेंज है वो आपकी वाई की वैल्यू कहलाएगी। सही है? ये आपने जहन में रखना है। तो रिलेशन आपको दिया हुआ है आर का एक्स कॉमा वाई इज एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, उसके बाद एक लाइन ली है, उसके बाद लिखा है वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो सबसे पहले तो आपको रेंज फाइंड करनी है, पहले पार्ट के अंदर आपको रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने का मतलब है आपको जहन में होना चाहिए वाई फाइंड करना है। इक्वेशन आपके पास बन रही है वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब है आपको एक्स की वैल्यू गिवेन है, जो एक्स की वैल्यू आपको गिवेन है वो क्या गिवेन है, -2 -1 0 1 एंड 2। तो आपको सवाल में करना सिर्फ इतना है कि जहां जहां आपको एक्स की वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पर इक्वेशन में, बारी बारी आपने वैल्यू पुट करनी है। पहले मैं -2 से शुरू करता हूँ, -2 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है 1।
पहले आपने क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू पुट किया। अगली बार आ जाता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 2 -1 + 5, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 + 5, आंसर मेरा आ गया 3। फिर अगली बार पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 5, 2 × 0 = 0 इज इक्वल टू 5, तो आंसर आ गया आपका 5। फिर नीचे बढ़ते हैं, जगह नीचे कर लेते हो पेज अपना, पुट x इज इक्वल टू 1। अब देखो आपके पास 1 और 2 रह गई वैल्यू सही पुट करने के लिए, तो y इज इक्वल टू 2 × 1 + 5, आपके पास 2 × 1 = 2 आ गया, 5 + 2 = 7। आखिरी वैल्यू आपकी जो बची थी वो क्या बची थी, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 (2+5), ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 5 = 9। आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, आपको तो क्या फाइंड करनी थी, रेंज फाइंड करनी थी, तो आपकी रेंज क्या आ गई, 1, 3, 5, 7, 9 आपकी क्या आ गई, रेंज आ गई। बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 में आपको रिवर्स कर दिया, अब आपको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन आपको फाइंड करना है। रेंज जो आपको अब के बार दे दी है वो दे दी है 11, 13, 15 और 17, आपको रेंज दे दी है। इक्वेशन जो आपको गिवन थी y इज इक्वल टू 2x + 5 थी, तो आपने अब की बार रेंज दी गई है तो y की वैल्यू गिवन है और डोमेन मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब की बार आपको y की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ करता हूँ पुट y इज इक्वल टू, अब की बार मैं हर दफा वैल्यू जो पुट करूंगा वो y की जगह पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 11 से शुरू कर रहा हूँ। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लाइन लगा रहा है, तो y इज इक्वल टू 11 पुट करूंगा, तो y इज इक्वल टू 2x + 5 मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को चाहे तो पहले मैं सेपरेट कर लेता हूँ, मुझे y की वैल्यू पुट करनी, मैं y को सेपरेट करता हूँ। देखो y को सेपरेट करने के लिए पहले प्लस 5 है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा, यहाँ बचा आपका 2x। अब की बार आपको x को सेपरेट करना है, तो x को सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y -5, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाके डिवाइड, तो x में आपने सेपरेट कर दिया, अब यहाँ y पुट करते जाओगे, तो x इज इक्वल टू y -5/2। आपके पास वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास 11 है, तो 11 - 5/2। जब आगे सॉल्व करते हैं मैंने बताया एरो लगाने की जरूरत पड़ती है, सही, सिर्फ इज इक्वल ही डालते हैं, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6/2, तो ये आ गया 3। फिर आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू y -5/2, इसी में आपने अगली वैल्यू जो पुट करनी है, पुट y इज इक्वल टू 13, 11 पुट किया है, अब की बार 13 पे 15 और फिर 17 लाइन से पुट करेंगे, 13 - 5/2, 13 में से आप 5 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, आंसर आ गया 4। फिर पुट y इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू y -5/2, आपने इक्वेशन ले लिया अपनी, इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आपके पास अब की बार है 15, तो 15 - 5/2, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, 10/2 आपका क्या आंसर आ गया 5। आगे बढ़ते हैं, पुट y इज इक्वल टू, लास्ट आपके वैल्यू दी है 17, तो आपने 17 यहाँ पुट करना है, x इज इक्वल टू y -5, आपने इक्वेशन पहले लिखी, उसके बाद आ गया 17 - 5/2, 17 में से 5 आपका माइनस होगा, 12 बचेगा, 12 से 2 डिवाइड हो गया, आपका आंसर आ गया 6। तो अब की बार जो आपको निकालना था वो क्या निकालना था, डोमेन, तो आपके डोमेन देखो क्या आ गया, 3, 4, 5, 6, आप यहाँ लिख सकते हो, तो डोमेन आपका इसमें क्या आया है, 3, 4, 5 और 6। और पिछले सवाल में आपने रेंज निकाली थी, तो रेंज की आपकी देखो वैल्यू ये आ गई 1, 3, 5, 7 और 9, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रेंज आपकी क्या आई थी, 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो ये आपका रेंज का आंसर बन गया और इस वाले पार्ट में डोमेन का आंसर बन गया।
ये आपका आंसर इसका बन गया था और इसका आंसर ये बन गया, सही। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको इसको इस तरह कर दूँ। तो ये हमने पार्ट कहाँ से शुरू किया था, ये वाला यहाँ से शुरू किया था, सही है। देखो डोमेन आ गया पहले, सबसे पहले डोमेन क्वेश्चन था, रेंज निकालनी थी, इक्वेशन आपने सिंप्लीफाइड की और फिर बारी बारी आपने वैल्यू पुट की, क्लियर। और ये पार्ट नंबर वन, जो जिन्होंने नहीं किया वो आप पीछे इस वीडियो को पीछे ले जाकर रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे क्वेश्चन दोनों इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन और रेंज फाइंड करने थे, सेवन वाला पार्ट हो चुका है। सेवन वाले के बाद क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एट पीछे जैसे हमने किया था उससे थोड़ा मिलता है। एक्स और वाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू दे रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। डब्ल्यू आपको रिप्रेजेंटेशन पता है होल नंबर की होती है, आपको होल नंबर के मदद से आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, सही। एक्स और वाई आपको बता रहा है क्या है, एक्स वाई दोनों रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर एट पार्ट नंबर वन, एक्स कॉमा वाई इक्वेशन दी है 3x + y इज इक्वल टू 11। आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, x और y की जगह वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह वैल्यू पुट करोगे होल नंबर के कोई भी वैल्यू से, आपके पास y की वैल्यू आएगी। y पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, तो सही है। आपके पास डोमेन और रेंज, आपकी जो डोमेन है x आपकी डोमेन है और रेंज जो है वो आपकी y है, सही है। तो आपने क्या करना है पार्ट नंबर वन के सॉल्यूशन में, इक्वेशन दी है 3x + y इज इक्वल टू 11। आपने वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करना है और आंसर निकालना है, आपकी मर्जी आप क्या वैल्यू पुट करते हो। तो मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, तो y को पहले सेपरेट कर लेता हूँ, 11 - 3x। तो मैं यहाँ पर होल नंबर में से वैल्यू पुट करूंगा y की, पुट y इज इक्वल टू, अपने पास से कोई भी तीन या चार नंबर ले लो। तो मैं आपके लिए ले लेता हूँ इजी वाले नंबर 1, 2 एंड 3, y की वैल्यूज में ले लेता हूँ, सही है। तो तीन दफा वैल्यू पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा और 3 पुट करूंगा, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में की थी, बिल्कुल एज इट इज। तो नीचे आ जाते हैं, वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, पहले मैं 1 पुट करूंगा, वाई इज इक्वल टू 11 - 3 (1)। आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाता है 11 - 3, आंसर मेरा क्या आ गया, 11 - 3 आप करते हो तो क्या आता है 8। ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना है, वाई इज इक्वल टू 11 - 3 * 2 हो गया, ये हो गया 11 - 3 = 6, 11 में से 6 गया 5, फिर पुट एक्स इज इक्वल टू 3। आप चाहे जितनी वैल्यू पुट करना चाहो, मैं यहाँ पर एक दो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सारी नहीं पुट कर रहा, 3 * 3, तो ये हो गया 11 - 3 = 9, 11 में से आपका 9 माइनस हो गया, आंसर क्या आ गया 2। तो इस सवाल में आपने y की वैल्यू, आपने जो रेंज सपोज की थी, रेंज आपकी ये आ गई और डोमेन आपने निकाला, x की वैल्यू आपकी डोमेन थी क्योंकि सवाल में आपने पहले लिखा था, तो डोमेन आपका बन गया क्या 8, 5 और 2, सही है। ये पार्ट नंबर वन आपके हो गया सॉल्व। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर टू में। पार्ट नंबर टू में भी इसी तरह ही है, एक्स कॉमा वाई गिवेन है, x - y = 6 है, इक्वेशन आपकी है x - y = 6। इस बार मैं x को सेपरेट कर लेता हूँ तो ये हो गया y + 6। यहाँ पर अब आपको y की वैल्यू पुट करनी है, तो आप y की जो वैल्यू पुट करोगे, y इज इक्वल टू, आपकी मर्जी आप जो वैल्यू पुट करना चाहो। तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, अच्छा मैंने पीछे एक चीज़ गलत लिख दी, यहाँ पर पुट वाई नहीं कर रहे, पुट हम क्या कर रहे थे, एक्स पुट कर रहे थे, सही। अब की बार वाई पुट कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू आपकी मर्जी, आप होल नंबर है 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो, सही। तो इस बार ले लेते 0, 1, 2 ले लेते हैं। तो वाई की वैल्यू आपने 0, 1, 2 इसमें पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सही। तो ये आ जाएगा x = 6 + y, मैंने इक्वेशन लिख ली, पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर साफ सुथरा यहाँ पर साइड में हम कर लेते हैं, तो आपको कॉपी करने में आसानी हो जाए, सही। तो 6 + पहली वैल्यू आपने 0 पुट करी तो 6 आ गया। अगली वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, इसी इक्वेशन में 1 पुट करने के लिए लिखी है, तो ये आ जाएगी आपकी 6 + 1, 6 + 1 = 7। फिर थर्ड वैल्यू आपने पुट करने के लिए लिखी है 2, तो x = 6 + y, 6 + 2 = 8, तो आपके पास 6, 7, 8 आ गई। आपने इसमें सपोज की थी y की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी क्या थी, रेंज। आपने जो रेंज सपोज की थी सवाल में वो 0, 1, 2 की थी, डोमेन आपने निकाला, डोमेन आपका 6, 7 और 8 आ गया, सही है।
तो इस सवाल में आपने x निकाला, मतलब x निकाला, y आपने रखा। पिछले सवाल में आपने y की वैल्यू फाइंड की थी और x आपका निकला था। क्लियर है? यहाँ पर भी एक चीज़ कट पड़े, यहाँ आपके पास y की वैल्यू निकली है तो आपकी ये क्या है, रेंज है। सही है, इसको करेक्ट कर लेना।